हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रिपल ई आई क्यू। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से है। और अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था करंट डिवीजन रूल के ऊपर, तो इसमें बहुत लोगों कन्फ्यूज़न हो गया कि जब हम लोग तीन रजिस्टेंस पैरेलल में दिया होगा तो इस सिचुएशन में इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है। यहाँ पे 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है इस सर्किट में और क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। अभी करंट डिवीजन रूल जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग को मेन करंट पता होना चाहिए। मेन करंट यानी इस बैटरी से जो भी हमारा करंट निकल रहा है इसका वैल्यू हम लोग को पता करना होगा सबसे पहले। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर, और यहाँ पे आर क्या होगा, आर इक्वेलेंट, टोटल टोटल जो रेजिस्टेंस होगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों क्या है, अभी सीरीज में है, तो 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का 6 ओम का रेजिस्टेंस लग गया, इसके पैरेलल में पहले से ही एक 6 ओम है, और यहाँ पे हमारा 5 है, यहाँ पे हमारा 8 है, ठीक है। ये हमारा बैटरी लगा हुआ है, ये 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये दोनों फिर से पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, तो ये आधा हो जाएगा, यानी इसके जगह हम लोग 3 ओम लगाएंगे, यहाँ पे हमारा 5 रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे हमारा 8, और ये बैटरी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये 6 ओम, सॉरी ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 ओम और ये 5 ओम और ये 8, ये दोनों सीरीज में हो गया तो जुड़ जाएगा, यानी फिर से हमारा क्या होगा, 8 8, ये दोनों पैरेलल में है, और इसको जब आप कीजिएगा तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वेलेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा 4 ओम आ गया, तो यहाँ पे वी की जगह लिखेंगे 24 और आर इक्वेलेंट की जगह 4, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 6 एम्पियर, ठीक है। यानी टोटल जो मेन करंट है हम लोग का यहाँ से 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे फिर से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो वोल्टेज ए बी के क्रॉस होगा, ए बी के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 24 वोल्ट है, तो वही वोल्टेज तो हमारा सी डी के क्रॉस होगा क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, तो यहाँ पे भी हमारा 24 वोल्ट होगा। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सी है यहाँ पे हमारा आते ही करंट क्या होगा, ये 6 एम्पियर का डिवाइड हो जाएगा, I1 इधर जाएगा और एक हमारा करंट I2 इधर आएगा, तो हम लोग I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I2 इक्वल टू V बाय R, तो V यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है हमारा 8, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 3 एम्पियर। कहने का मतलब हमारा इधर 3 एम्पियर बट गया और बाकी का जो 3 एम्पियर बचा ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हमारा जो मेन सर्किट डिज़ाइन स्टार्ट होता है वो यहीं से है, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए देखिए अभी जो हम लोग का सर्किट है वैसे ही बनाते हैं। ये हम लोग का 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये 6 ओम और ये 2 ओम और ये 4 ओम, यहाँ पे हमारा बैटरी लगा हुआ है। देखिए 8 हो गया, 5 हो गया, 6 2 4। अभी हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि इस ब्रांच के अंदर यानी यहाँ पे हमारा 3 एम्पियर है, तो यही 3 एम्पियर जो है आगे जाके सर्किट के अंदर टूटेगा, है ना। इधर मान लेते हैं हमारा I1 और इधर हमारा I2, ठीक है, इधर पीछे वाले सब हम लोग को मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अब सिंपली हम लोग को I1 फाइंड आउट करना है, तो I1 जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग को ये बगल वाला रेजिस्टेंस लेके चलना होगा। तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस ना लिख करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए इस सर्किट को मैं फिर से डिज़ाइन करता हूँ, ये हम लोग का 8 5 6, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो हमारा करंट सेम ही होता है ना, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 5, इधर से तो हम लोग को मतलब ही नहीं, यहाँ पे हमारा 3 एम्पियर अभी करंट है, यानी मेन करंट अभी हमारा यही है। तो यहाँ पे I1 हो गया ये और इसके अंदर हमारा I2 हो गया, तो I1 निकालेंगे तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस वाले रेजिस्टेंस को लेके चलना होगा, 6 गुना जो मेन करंट है, मेन करंट क्या है, ये 3 एम्पियर इस सर्किट के लिए, अब हमारा ये मेन करंट होगा, ये 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल अभी तो हम लोग का यही सर्किट है ना पूरा पूरा, एक तरीके से पीछे से मतलब नहीं, हम लोग को ये वाला भी हमारा सर्किट है, तो टोटल जो रजिस्टेंस होगा कितना होगा, 6 प्लस 6 यानी 12, ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा तो कितना होगा, ये 4 बार में और ये काटिएगा तो ये 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, ठीक है। यानी अब ये देखिए इसके अंदर हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 हमारा कितना है, 1.5 एम्पियर,
यही करंट तो 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा ना, क्योंकि ये 2 और 4 जो है अपने आप में सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस 1.5 एम्पीयर का करंट होगा, जिसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही 4 ओम के क्रॉस भी पूछता तो 4 ओम के क्रॉस भी यही होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों बैटरी के बीच में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा। देखिए ये अभी दोनों बैटरी के एक तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज का कनेक्शन देखिए होता कैसे है। जैसे अगर आपके पास टॉर्च होगा, जैसे पेंसिल वाला जो टॉर्च होता है, तो इसमें जो भी हम लोग बैटरी ऐड करते हैं वो हमारा एक तरीके से सीरीज कनेक्शन में होता है। सीरीज में कैसे होता है, देखिए ये हमारा एक सेल हो गया और ये होता है हमारा पॉजिटिव आगे वाला लीड और ये पीछे का होता है नेगेटिव लीड, ठीक है। तो अगर इसी के साथ हम लोग बैटरी का दूसरा बैटरी ऐड करते हैं, तो इस दूसरे वाले बैटरी के लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया और इसका आगे में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर से अगर हम लोग दूसरे बैटरी का नेगेटिव लीड और आगे में पॉजिटिव लीड जोड़ते हैं, इस तरीके से अगर कंटिन्यू करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से सीरीज कनेक्शन हुआ। यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेके बल्ब जोड़ते हैं, यहाँ पे जो भी बल्ब लगाइएगा ये हमारा जलेगा, ठीक है। और इस सीरीज कनेक्शन में जो हमारा वोल्टेज होता है वो जुड़ जाता है। जैसे मान लेते हैं ये एक बैटरी का 2 वोल्ट था, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, तो यहाँ पे जो नेट वोल्ट होगा कितना होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी हम लोग को 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ऐसा सिचुएशन है, ये बड़ा वाला एरो बताता है प्लस का साइन और ये छोटा वाला एरो बताता है माइनस का साइन, और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इसमें हमारा ये कुछ इस तरीके का है, ये हमारा ये पॉजिटिव लीड हो गया एक का और ये हमारा नेगेटिव लीड हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 वोल्ट, ठीक है। और दूसरा बैटरी है ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव लीड और ये हमारा नेगेटिव लीड, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा कनेक्शन क्या है, ये उल्टा है, यानी गलत तरीके से है। तो इसमें हमारा क्या होगा, नेट वोल्टेज माइनस होता है, यानी 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट बचेगा कितना, 4 वोल्ट, ठीक है। यानी इस सर्किट के लिए, यानी इस पूरे सर्किट के लिए हमारा टोटल वोल्टेज कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट ही काम करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज माइनस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, अब इस बैटरी के अंदर करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर हमारा मेन वोल्ट जो बड़ा वोल्टेज है उसका डायरेक्शन किधर है, यानी बड़ा वाला वोल्टेज का डायरेक्शन इस साइड में है ना, ऐसे है ना, ये पॉजिटिव लीड हो गया और ये नेगेटिव लीड हो गया, तो हमेशा करंट जो है इधर की तरफ बहेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर जब भी करंट फ्लो होगा ये इधर से फ्लो होगा, ठीक है। तो देखिए ये बैटरी है तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं सर्किट से इस तरीके से दिखाऊं, ये माइनस लीड हो गया 4 वोल्ट का, तो इधर हमारा रेजिस्टेंस होगा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 ओम, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक और बैटरी है, तो ये प्लस साइड में इसका रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा 8 वोल्ट है। तो रेजिस्टेंस हम लोग का हमेशा जुड़ता है, ठीक है, भले ही बैटरी का कोई भी डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे हम लोग का ये रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो देखिए मैं इसको फिर से रीडिजाइन कराऊँ, इसके अंदर हमारा एक्ट कौन सा करेगा, कितना वोल्ट करेगा एक्ट, तो 4 वोल्ट, यानी ये हमेशा 4 वोल्ट ही होगा इसका। जब भी आप टोटल वोल्टेज निकालिएगा तो कितना आएगा, 4 वोल्ट ही आएगा ना। तो ये हमारा मेन 4 वोल्ट हो गया और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, ये 2 रेजिस्टेंस होगा, एक 0.5 ओम का उस वाले बैटरी का और एक हमारा 1 ओम दूसरे वाले बैटरी का, ठीक है। और बाकी का जो रेजिस्टेंस होगा वो वैसे ही रहेगा, ये हमारा 4.5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा 2 रेजिस्टेंस है, इस तरीके से एक 6 ओम का है और एक 3 ओम का है, और इस सर्किट को हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें हम लोग पहले टोटल इक्वेलेंट निकाल लेते हैं, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल यानी 6 × 3/6 = 9, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, 6 × 3 = 18 और डिवाइड के तो आ जाएगा। तो ये हमारा सर्किट इस तरीके से हो जाएगा। ये सब को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हम लोग इसी के क्रॉस निकालना होगा ना, ये 2 रेजिस्टेंस है 0.5 ओम का और ये 1 ओम का, ठीक है। ये होगा आप लोग का 4.5 और इसके जगह हम लोग लिखेंगे 2, ये 4 वोल्ट। हम लोग को मेन यहाँ पे वोल्टेज निकालना है कि इस 1 ओम के क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है और इस 0.5
5 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली सीरीज सर्किट है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले हम लोग इस वोल्टेज अक्रॉस 0.5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं। तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना होता है उसी का वैल्यू लेंगे, गुना जो टोटल वोल्टेज है कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यानी 0.5 प्लस 1 प्लस 4.5 प्लस 2 ओम, ये 4.5 है और ये 2 ओम है, यानी ये आ जाएगा आपका 0.5 गुने 4/8। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.25 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस निकालना है उसका वैल्यू इन टू मेन वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 8 होगा, तो कितना होगा ये, ये हो जाएगा आपका 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज आ गया, यानी हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एक के अक्रॉस हो रहा है इतना और दूसरे के अक्रॉस हो रहा है इतना। अब हम लोग मेन सर्किट पे आते हैं, देखिए फिर से मेन सर्किट आना होगा, उसको समझना होगा। यहाँ पे ये हम लोग का नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ठीक है, उसी तरीके से एक और रेजिस्टेंस होगा बगल वाले बैटरी का, ये इस तरीके से था, ये 4 वोल्ट था, ये 8 वोल्ट था। ठीक है, और यहाँ पे 1 ओम है। यहाँ पे अब सीधे वोल्टेज लिखता हूँ, इसको रेजिस्टेंस को रहने देता हूँ, यहाँ पे ऊपर वोल्टेज है 0.25 वोल्ट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है 0.5 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाएंगे सीधे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन हो गया और इस स्ट्रेट लाइन में कैसे केवीएल लगाते हैं मैंने बताया था आपको। देखिए जो हमारा मेन वोल्टेज है किस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी करंट जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, यानी इसके अंदर जब भी इन होगा इस तरीके से इन होगा। तो यहाँ से चलते हैं, देखिए यहाँ से जब भी आएगा तो ये हम लोग क्या मिला, वोल्टेज मिला इसी के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी इधर जब भी होगा इधर से जो भी करंट आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरीके से इसको बढ़ावा दे रहा है। इधर भी जब हमारा इस तरीके से सिंबल होगा तभी ना आ रहा होगा करंट इधर से, है ना। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं वी ए, ठीक है, तो वी ए एक तरीके से इसके अंदर हमारा करंट इन कर रहा है इधर से, तो सबसे पहले ये मिलेगा तो 8 वोल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग बैटरी से बाहर निकलते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के पास पहुँचते हैं, जैसे देखिए समझने के लिए इधर एक समझना होगा, ये मान लेते हैं हमारा मेन वोल्टेज है, ये हम लोग का मान लेते हैं 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है और ये हम लोग का 1 ओम है। इसके अंदर जब भी आप केवीएल लगाइएगा, ये मान लेते हैं आई है, तो क्या होगा 10 वोल्ट। अब ये वोल्टेज को जब पॉजिटिव ले लिए तो जितना भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएंगे तो हम लोग को माइनस लेना होता है। ठीक है, ये होगा 2 गुने आई और ये भी हमारा माइनस होगा 2 गुने यानी 1 गुने आई। ठीक है, बराबर 0। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग का करंट किधर से आ रहा है इस सर्किट के अंदर, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, पहले से इधर भी हमारा इसी तरह का पोलैरिटी लगा होगा तभी तो ये आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, मेन वोल्टेज जो होगा 8 वोल्ट का ये प्लस होगा और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है 0.5 ये हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग वोल्टेज से जैसे ही बाहर आएंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे नेट वोल्ट बचा कितना, 7.5 बचा। और वही चीज़ यहाँ पे आइए, अब इस 4 ओम के अक्रॉस पे आते हैं। देखिए हमारा करंट अभी भी इधर ही से आ रहा होगा, है ना, तो इधर से जब आ रहा है तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जस्ट मिला इसको उल्टा। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब देखिए इसी सर्किट में समझते हैं, इधर से हम लोग चलेंगे, इधर से चलेंगे तो हम लोग को ये रेजिस्टेंस क्या पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है, इधर से हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे अगर हम लोग इधर से आते तो ये 4 वोल्ट हमारा पॉजिटिव होता और ये हमारा जो 0.25 वोल्ट था ये नेगेटिव हो जाता, लेकिन हम लोग जस्ट उल्टा आ रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी हमारा बैटरी क्या है, उल्टा लगा हुआ है, तो इसके लिए भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मेन वोल्टेज होगा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4.025 होगा ना सिंपली। ठीक है, तो इसके क्रॉस ये वोल्ट होगा, तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी वोल्टेज डिफरेंस 7.5 वोल्ट और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी वोल्टेज डिफरेंस होगा ये इतना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कुछ है नहीं, बस बेसिक चीज़ है। ठीक है, दूसरा आंसर होगा उसको अगर आपको समझ में आया होगा और खुद से आप समझिएगा इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बस यहाँ पे यही ध्यान देना है कि हमारा मेन जो डायरेक्शन है करंट का ये इधर से आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था हमसे, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसमें। बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा दो वायर है, एक वायर ए है और दूसरा वायर बी है, ठीक है। दोनों जो है सेम मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन इन दोनों के लेंथ में अंतर है। एक एल मीटर है तो दूसरा हमारा 2 L मीटर है, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी जो रेडियस है ये भी हमारा अलग अलग है। बोल रहा है कि इन लोगों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए की बात करते हैं, वायर ए की आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाय एरिया। ए के लिए जो हमारा लेंथ है ये है हम लोग का एल मीटर, और जो रेडियस है ये है हम लोग का आर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा सिंपली ऐसे हो जाएगा, बस एरिया की जगह चेंज कर लेते हैं, रो लेंथ की जगह एल ही रहेगा, एरिया की जगह क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रो निकाल लेते हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो क्या होगा, आर ए बटा एल। तो आर की जगह ये वाला वैल्यू पुट कीजिए आप, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया की जगह फिर से हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल है एल, ठीक है। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ ए। उसी तरीके से कॉइल बी का बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है ये हम लोग का है 2 L, और जो रेडियस है ये है 2 R, ठीक है, 2 R मीटर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रो बराबर यानी आर बराबर रो एल बाई एरिया। यहाँ पे रो एल की जगह लिखेंगे 2 L, एरिया की जगह होगा पाई आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 2 जा 4 R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल बी का निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आर ए बटा एल होता है, आर की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, रो 2 L 4 पाई स्क्वायर, और एरिया की जगह फिर से हम लोग वही पुट करेंगे यानी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एल की जगह लिखेंगे यहाँ पे 2 L, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कट करते हैं, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये 2 L से 2 L भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, रो बी बराबर रो, ठीक है। यहाँ पे भी आते हैं, ये देखिए पाई आर से पाई आर उसका कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी रो ए बराबर क्या होगा, रो बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यानी रो ए बटा रो बी बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली रो बाय रो, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1 बाय 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। तो इतना ईजी क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हैं तो कैसे फिर यहाँ पे काम चलेगा। हाँ ठीक है, ये सब मैंने बताया था आपको, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मे बी आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।